क्या हुआ सर, पुलिस क्यों आई? पुलिस आई है कि भाई हमारी किसी ने SDM ऑफिस में कंप्लेन करी है कि यहाँ पे कोई अंग्रेज रह रहा है जिसकी हमने इत्तला नहीं दी है। तो हमारे यहाँ तो कोई अंग्रेज रह नहीं रहा, और अगर रहता है तो हम उसका फॉर्म सी भरते हैं। मैं तो ये कहा कि गांव में लोग मुझे अंग्रेज कहते हैं, ऐसा ना हो किसी ने कहा वहाँ अंग्रेज रहता है तो ये कन्फ्यूजन हो। पर गुड टू सी कि पुलिस इतनी एक्टिवली चीज़ें कर रही है। बट सर रह तो रहे, कौन रह रहा है? वाए वाए। वो तो शिवा पे रह रहा है। अच्छा, वॉलंटियर कर रहा है ना वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। वो कह रहे हैं कि तुमने कंप्लेन करी है कि यहाँ पे कोई अंग्रेज रह रहे हैं, तूने चल बात क्लियर कर। साहिल नहीं किया? नहीं। साहिल का चेहरा उतर गया। कहाँ जा रही है ज्योति? फार्म से निकलते ही शॉप है ना थोड़ा आगे, वहाँ पर। नहीं रेस्क्यू कुछ चीज़ का डॉग अंदर बैठा जाए। हुआ क्या नवीन भाई इसको? उसके गले में मैडम होगा क्या? हमारा ही कुत्ता यहीं का? हाँ तो नहीं है, बोल रहे कहीं से आया है, कहीं से कोई छोड़ के गया है, कहीं आया है? नहीं ऐसे आगे घूमता आया है। तो जो बाकी कुत्ते उन्होंने मारा नहीं इसको? नहीं नहीं, अंदर ही बैठा चुपके से। भावे काटता तो नहीं है? पता नहीं यार। इसने पूरे में धुआं उठा दिया। मैं ज्योति को फोन करके बोल रहा हूँ, ज्योति का नेट और भेजना जल्दी से। नवीन भाई अभी नेट नहीं डाला ना ढंग से, नेट फटा था तो निकल गया, इसका मुंह निकला है बाहर। और गाइस कैसा लग रहा है पहले रेस्क्यू पे आके? जो वीडियोस में देखे थे वो लाइव देखे थे, मजा आया। अब तो कहीं नहीं जाता ना। अजय भाई डी मैग ना मार दें इस पे थोड़ी देर, मक्खियाँ मक्खियाँ बिनक रही हैं आसपास। हो गया काम डाउन, बस। दीदी कैसे करोगे आप इसका ट्रीटमेंट? ये तो बहुत खतरनाक कुत्ता है। हाथों से पुत्र, हाथों से। खतरनाक है पर ये। बस हो गया बेटी, सामने ही बांधो, हो जाएगा। दीदी पेन किलर? ये वो मैगेट्स मारने वाली दवाई है? हाँ जी। दीदी डॉग फाइट में ही लगा हुआ है ना, आपका तजुर्बा क्या कहता है? डॉग फाइट ही हो गया। आज इसको हम दवाई डाल के साफ नहीं करना, दवाई डाल के आज रहते हैं। पहले दिन क्या करते हैं सुधांशु? जब मैगेट्स मारने वाली करी है। ये क्या लगा रहे हो आप? छिड़का मारा था। है क्या तेरे को? शायद है ना। हाँ मेरे को भी पीला है वाले लीश है ना। बस हो गया बच्चे, सॉरी। बस देखना बच्चे, देखना बस। कुछ आएगा पीने के लिए? एक मिनट, वहाँ से मुझे पकड़ दूंगी। सिर्फ यहाँ ब्रश कर इसको। चल अच्छा नहीं, अच्छा बस एक मिनट। कुछ अजीब सा है ना इसका नाश्ता, कोई नहीं बाद में देख। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है। एक मिनट छोड़ो, बस कुत्ते काटे आए। दांत है इसके तो। दीदी इसका कान वाला बूंद है, उसको ओपन रखेंगे हम स्पॉट ऑन। मेरा याद हो गया मेरे को ना सारा। तो कितने टाइम से कर रहा है इसे फॉस्टर? 5-7 दिन हुए। बहुत ज़्यादा प्लेफुल कैट है और इसको शैतानी करना बहुत पसंद है, बॉल से खेलना बहुत पसंद है। दिन भर मेरी कैट के पूंछ के पीछे पड़ी रहती है ये मेरे पास भी एकदम से नहीं आती थी, अभी ऐसे आएगी और धीरे से पैर काट के चली जाएगी दौड़ के। ठीक है, गुड गुड, सिट डाउन। वो अमनदीप अटैक लूजर। ओ तुमने लूजर बोला इसको? क्योंकि मुझे मार नहीं पाया। फिर जो तुम्हें मारते हैं उन्हें तुम विनर बताते हो? बुली कर रहे हो तुम उसको? अमन आई डोंट नो कैसे हैंडल करता है, अभी बहुत
कि नंबर ऑफ केसेस दिन में 10 नए केसेस हैं और आसपास के केसेस हैं कम से कम उसमें से 3-4, और हमें समझ में नहीं आ रहा हम मना भी कैसे करें, और इतनी गंदी इंजरीज है, इतने क्रिटिकल केसेस हैं, लेकिन अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो इन लोगों के साथ अफेयर नहीं होगा क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट सफ़र करेंगी, है ना, भीड़ इतनी है। उस दिन उसने बैल ने वो बछड़े को जो उठाया, उस पहला ही दिन था उसका ये रहा, और उसको 2 सूचर एक्स्ट्रा हमारे जैसे पड़ गए। सॉरी इससे पहले मैं भूल जाऊँ, हमारे पैरावेट्स तो हमें कभी ना ऐसे फ्रेम में मिलेंगे नहीं, तो हर कोई हर जगह किसी ना किसी की मदद कर रहा है, तो तुम एक शॉट सबका ले लेना और एकदम इवन हमारे कमेंट्स में भी पता है यहाँ पे हमें वो डालना चाहिए रुकावट के लिए खेद है, बाद में बेटी जी से मिलवा दो, बेटी जी के लिए बड़े सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि भाई इतने रेजिडेंट हो गए हैं कि ये बेचारी अब दिख ही नहीं पाती, लोगों को मिलती नहीं है, किसके लिए कमेंट्स आ रहे थे, और मैं कहता कि डॉक्टर्स को मत बोलिए, डॉक्टर हिमांशु के लिए भी एक कमेंट आया है, किसका, पोकेमोन नहीं डोरेमोन का, कि डॉक्टर हिमांशु हैंडसम भी है और उनकी आवाज़ काफ़ी सही है। इसे डायरिया है? नहीं डीवॉर्मिंग के लिए होता है, 1-2 दिन डीवॉर्मिंग के बाद तो रहता है डायरिया। अब ये चिपकाएगा लाइक पेंटिंग विद ब्रश स्ट्रोक, हर जगह डायरिया है। गाय की पूंछ के बाल होते हैं ब्रश बनाने में यूज, जैसे अब गाय मर जाती है उसका एक एक हिस्सा कोई ना कोई इंडस्ट्री यूज करती है, मर जाती है, मार दी जाती है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर मतलब चमड़ा क्या और नाखून क्या, दांत क्या, हड्डियां क्या, जेलेटिन बना देंगे, ब्रश बना देंगे, आर्ट बना देंगे, खा जाएंगे, मतलब जिस मुद्दे के लिए भगवान ने गाय को भेजा था यहाँ पे जीने के लिए चैन से, वो नहीं पूरा होता, बाकी हमारे सारे मुद्दे पूरे हो जाते हैं। खैर एनीवे, मेरे को एक बात आपसे करनी थी कि जैसे बेटी जी हमारी रेजिडेंट एनिमल है, इसी तरह हम पहले जो और लोगों के एनिमल से कनेक्शन है उस तरह की स्टोरीज हमने फीचर करी हैं, जैसे हमने जेसिका की स्टोरी करी उसकी गिलहरी के साथ, तो अगर आपकी किसी ऐसे एनिमल से बॉन्डिंग हो रखी है तो वो स्टोरीज आप हमें ज़रूर भेजिएगा। हम चंदा का फ्लैप सुंदर करने लगे हैं, पहले हमने रोपट्रस से किया था, अब हम सुचरिंग से कर रहे हैं। सर इंजेक्शन सुन करने के लिए दिया गया? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पे कट लगेंगे, एक कट ऊपर लगेगा, 2 कट नीचे लगेंगे, उससे ही नीडल घुसेगी अंदर। सर ये तो मुश्किल नहीं होगा थोड़ा जब निकाल रही है अंदर से प्रेशर लगा रही है? इसलिए तो हाथ अंदर डाला हुआ मैंने। अच्छा हाथ अंदर रखोगे जब तक तो सूचर नहीं होता? प्रेशर नहीं, ऊपर से प्रेशर कम कर रहा हूँ साइड दबा के पीठ से। अच्छा पीठ पे दबाने से प्रेशर कम होता है? स्ट्रेन कम करता है। पट्टी का सूचर मार रहे हैं सर? बैंडेज का भी मार सकते हैं, और कई लोग रिबन यूज़ करते हैं, कई नाड़ा यूज़ करते हैं, उसको हम बाद में निकाल देंगे, ये चेंज कर सकते हैं ना डेली हम। अब तो हो गया, अब ऊपर वाले को भी करेंगे? ऊपर वाले को ये खुद अंदर कर लेती है, वो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं रहता, नीचे वाला बहुत ज़्यादा बाहर रहता है। यूट्रोटोन हम दे रहे हैं ताकि जो भी अंदर इन्फेक्शन बाहर आए, प्लस एंटीबायोटिक पे भी रखा है उसको हैवी पे। तो ये है क्या जी सर? ये तो कुछ अलग सी लग रही है, कैल्शियम की कमी होगी तो वो पूरी हो जाएगी शरीर में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की पपी के लिए हमारे को कमेंट्स में तो सारे नाम अच्छे नहीं, आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलर नाम से, कि पेप्सी और इस तरह के, वो तो विक्की एक काफी नाम के लिए रूट कर रहा है काफी समय से, जोजो क्लच और जोजो की क्या कहानी है बता दो। मेरा पहला पिल्ला था लैब्राडोर था, इतना से लेके आया था मैं 1 महीने का, फिर वो घर वालों ने 3 महीने का वो भगा दिया था। भगा दिया कहीं और दिया इसको, जो मैं बहुत छोटा सा होता था। लड़े नहीं तुम? बहुत लड़ा मैं, खाना नहीं खाया 1 हफ्ते तक, काफी कलेश करे थे। तुम्हें देख के लगता था तुमने एक भी दिन खाना छोड़ा होगा। पिल्ले के लिए तुम बहुत लड़ गया था। यही है ना कि बच्चे लाएं डॉग्स तो भाई पेरेंट्स की मर्जी से लाएं, ताकि फिर वो डॉग्स बाद में सफर। जिसका आप कह रहे थे कि वो ब्लड बॉल्स लाई हैं बाहर, यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो एक्चुअली काफी अच्छा असर हुआ है उसका, उसके डायरिया थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया अभी, नो लम्ब्स, 2 दिन से तो मैंने लम्ब्स नहीं देखे हैं, थोड़ी एक्टिव है पहले से, है ना, तो अभी बहुत बेटर चल रहा है उसका। ब्लॉन्डी थी? हाँ ब्लॉन्डी। ये पता लगा कि उसको क्लॉट्स हुए क्यों अंदर से, क्यों खून आया बाहर? म्यूकोसल बॉल्स थे वो, ब्लड क्लॉट्स नहीं थे, वो म्यूकस और लाइनिंग के वो बॉल्स ही बने हुए थे, ब्लड म्यूकस और इंटेस्टाइन की लाइनिंग के बॉल्स बन गए थे। वो क्यों बने और क्यों निकले? इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि स्लफ ऑफ हुई लाइनिंग, तो उस वजह से बेसिकली इनकी ईटिंग हैबिट्स थोड़ी ख़राब रहती हैं क्योंकि बाहर इनके पास ऑप्शन कम है।
यही है यहाँ पे भी थोड़ा टेम्परेचर फ्लक्चुएट भी हुआ है, उस वजह से भी हो सकता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फेवरेबल कंडीशन मिल के तो उसने वो फ्लरिश कर दिया हो। फेवरेबल कंडीशन जो अंदर ऑर्गेनिज्म था इंटेस्टाइन में उसकी बात हो रही है ना, वो बढ़ गया एंड ठीक है। गॉड हमारा सबसे छोटा रेस्क्यू क्या है क्या इसकी मदर नहीं लेकर आई, हमने जगह भी देख ली वहाँ पे कहीं हमको चूहे के बच्चे और नहीं मिले, फिर मैं इसको लेकर आ गई तो अभी ये दो दिन से मेरे पास है। बड़ा होगा तो हम इसको रिलीज़ कर देंगे, अभी तो जैसे इसकी आइज भी ओपन नहीं हुई कहाँ रिलीज़ करेंगे हम। मैंने सर्च किया और देखा कि हम इसको क्या खिला पिला सकते हैं, तो वो जो मिल्क पाउडर होता है ये देखो, उसका दूध बना के हर थोड़ी देर में एक घंटे में इसको मुझे फीड करवाना होता है। ओले ओले ऐसे, ये देखो ये ऐसे क्लीन भी करता है अपने आप को। ये काला काते ही पॉटी करते हैं चूहे। मैंने इसका नाम दिया लुकस। लुकस ये इनकी देखो सुसु पॉटी हो जाती है, ये थोड़ा सा ऐसे करते हैं रब तो ये पॉटी कर रहा है। तो हो गया अब वापस एक घंटे बाद। तुम्हारी एक बात सही थी कि फलाफल और फटाफट कंफ्यूजन होगा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। सब कंफ्यूज होते हैं हर रोज, और रोज में कोई ऐसे अगर उन दोनों से रिलेटेड कोई बात है तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। ब्लड सैंपल हो गए, वायल्स में गड़बड़ हो जाती है, अगर फलाफल का सैंपल लेना है तो कोई फटाफट के पास बहुत, लेकिन वो पहले ही कैच कर लिया जाता है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं अभी तक। पर उन्हें ये भी ये फलाफल है जो कि एक बैल है, जो कि एक बैल है और वो फटाफट है बोरा बिल्कुल एक ही समय पे आपने ये नाम रखे। आई नो यार, एक्चुअली दिमाग में इकट्ठे आए, लिस्ट पे इकट्ठे गए और फिर वो लिस्ट से बाहर भी इकट्ठे हो गए। मुगली का फिर काफ़ी टाइम हो गया और उसके पैर में वायर ट्रैप लगा था जिसकी वजह से उसका जो फीट है वो सारा निकल गया था बाहर, तो हमें उसमें एम्पिटेशन करनी ही पड़ी थी। अभी उसका एम्पिटेशन वाला वूंड हील हो चुका है और अभी हम उसको रिलीज कर रहे हैं। इसका मन नहीं है जाने का, चाहे किसी और को ले जाओ। मैं जोर से बजाऊं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे किसी चीज का विरोध नहीं हो रहा है, खुशी का इजहार है कि भाई जो जानवरों को एक्सपोर्ट करने वाला बिल था वो रोक दिया गया है। और दूसरी बात, इस बात की खुशी है कि इतने सारे लोग इकट्ठे आ गए और वो समझ गए कि भाई जानवरों को ना सिर्फ खाना नहीं है, उन्हें खिलाना है, बल्कि कल को कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कानून आता है तो उससे भी उनको बचाना है।